बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इक्विसिस्टम के बारे में है, जिसको हम कॉमनली हॉर्स टेल कहते हैं, और उसकी थोड़ी सी हम बैकग्राउंड में आपको बताएंगे। उससे पहले कि हम डायरेक्टली इक्विसिस्टम पे जाएं, थोड़ी सी उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन जो है वो आपको बतानी है। इक्विसिटम जो है ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो कि और डिवीजन फिनोफाइटा या इक्विसिटोफाइटा या क्लेमोफाइटा या सब डिवीजन फिनोप्सिडा इसका वाहिद लिविंग जीनस है, क्योंकि इसके अंदर बाकी जितने भी मेंबर हैं वो सब के सब जो हैं वो या एक्सटिंक्ट हैं, वो फॉसिल फॉर्म में हैं, और सिर्फ एक फैमिली है इक्विसिटेसी, जिसके अंदर एक ही जीनस है, दैट इज़ द इक्विसिटम, विच इज़ द ओनली लिविंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस ग्रुप। ये आपके सामने इंट्रोडक्शन टू स्फिनोफाइटा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया म्यूजियम ऑफ पैलेंटोलॉजी की एक फाइलोजिनी जो है वो आपके सामने दिखाई जा रही है, जिन्होंने ये कंस्ट्रक्ट की है फॉर द स्फिनोफाइटा। इसके अंदर हम जब फॉसिल हॉर्स टेल्स जो हैं उनको डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको ये सारे की सारी जो है ये फॉसिल में जेनरा जो हैं या फॉसिल जो इसके मेंबर या ग्रुप्स हैं उन सबको मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, और उसमें मैंने आपको क्लेडियोजाइलोप्सिडा का मेंबर आइबेका जो है उसको एज ए पॉसिबल एंसेस्टर के तौर पर इन सब हॉर्स टेल्स का वो भी बताया था। उसके अलावा सुडोबोर्निया, स्फिनोफाइलेलीज, आर्कियोक्लाइमेटेलीज और क्लाइमेटेसी, ये जो क्लाइमेटेसी और इक्विसिटेसी है, दीज बोथ द बोथ फैमिली आर द सिस्टर फैमिलीज, जो कि यहाँ पे आपको क्लेड जो है मानो फाइलेटिक क्लेड बना रहे हैं, जो कि इक्विसिटेलीज ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर दो फैमिलीज आती हैं और दोनों जो हैं वो सिस्टर फैमिलीज हैं, क्लाइमेटेसी जो कि फॉसिल फैमिली है और इक्विसिटेसी जिसके अंदर लिविंग रिप्रेजेंटेटिव है इक्विसिटम का। इसके साथ साथ ये क्लासिफिकेशन है क्लास इक्विसिटोप्सिडा, जिनको हम हॉर्स टेल कहते हैं कॉमनली, और इसके अंदर ये रेड में आपको जो जो भी शो हो रहे हैं ये तीन ऑर्डर, पहले हाइनेलीज जो इस वक्त सूडोस्पोरोचिनेलीज क्लेडोजाइलोप्सिडा में का हिस्सा बन चुका है, सूडोबोर्नियलीज जिसमें एक ही मेंबर है सूडोबोर्निया अर्दसिनिया, इसके अलावा ऑर्डर स्फिनोफाइलेलीज जिसके अंदर तमाम के तमाम जो हैं वेज शेप लीव वाले मेंबर हैं, इसके अलावा फिर ऑर्डर इक्विसिटेलीज जिसके अंदर दो फैमिलीज हैं क्लेमेटेसी एंड इक्विसिटेसी। क्लेमेटेसी को भी रेड में हाईलाइट किया गया है बिकॉज ये एक फॉसिल फैमिली है, एक्सटिंक्ट जेनरा है, इसके अंदर सारे के सारे फॉसिलाइज्ड हैं, और उसके अलावा आपके पास जो है इक्विसिटेसी है जो कि रिप्रेजेंट करती है लिविंग मेंबर को। तो अगर हम रिसेंट क्लासिफिकेशन देखें तो हमारे पास जो है ओलगरेगा एटाल 2018 की क्लासिफिकेशन है, और इस की के जिसमें उन्होंने अमेरिकन जर्नल ऑफ बॉटनी में ऑरिजिन ऑफ इक्विसिटम एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स टेल इक्विसिटेलीज विद इन द मेजर यूफाइलोफाइट्स क्लेड स्फिनोप्सिडा उसको डिस्कस किया है, और उसमें उन्होंने स्फिनोफाइलेलीज को एज एन सिस्टर के तौर पर इक्विसिटेलीज के वो कंसिडर किया है। अगर इक्विसिटेलीज में हम देखें तो हमारे पास जो हैं बाकी तमाम के तमाम जो ग्रुप आ रहे हैं अदर देन इक्विसिटेसी, वो सब के सब जो हैं वो आपके पास जो है उनके पहले आपको हर एक के आगे एक निशान नज़र आ रहा है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये निशान जो है कि ये इसके तमाम के तमाम इस ग्रुप में मौजूद मेंबर्स जो हैं ये फॉसिल्ड हैं, फॉसिल मेंबर हैं, चाहे वो न्यूक्लेमेटेसी है, क्लेमेटेसी है, आर्कियोक्लेमेटेसी है, या स्फिनोफाइलेलीज हैं, या दरमियान में एजिक्लेड है। ये एजिक्लेड उन्होंने मैंने आपको उस फॉसिल में भी बताया था कि ये परमियन स्पीशीज़ हैं, अंगारा एंड गुडवाना, ये जो परमियन डिपॉजिट्स हैं वहाँ से ये दो मेंबर जो हैं वो उनको जो है कलेक्ट करके एक एजिक्लेड के नाम से क्लेमेटेसी के सिस्टर क्लेड के तौर पर यहाँ पर आपको बताया गया है। अगर हम इक्विसिटम चूँकि हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो जो दुनिया के मेजर फ्लोराज हैं उनमें से एक दो से मैंने एग्जांपल भी ली हैं कि दुनिया में इस वक्त इसकी क्या डाइवर्सिटी चल रही है। तो फ्लोरा ऑफ नॉर्थ अमेरिका एक वेल कंपोज्ड फ्लोरा है, और उसके अंदर हम देखते हैं तो हमारे पास इक्विसिटम जो है उसके 22 रिकॉर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं, जिनमें से चंद एक को यहाँ पर आपको शो भी किया जा रहा है। इसी तरह फ्लोरा ऑफ चाइना में 16 रिकॉर्ड हैं, जिसमें दो तीन जो हैं वो आपको नज़र भी आ रहे हैं सामने, बाकी सारे के सारे शो नहीं हो रहे। तो 16 रिकॉर्ड हैं, और फ्लोरा ऑफ नॉर्थ अमेरिका में 22 रिकॉर्ड हैं। पाकिस्तान से
बाकायदा एज सच हमारे पास फ्लोरा में इनका कोई वो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ, लेकिन इसमें हमारे पास जो है तो अगर हम रिकॉर्ड देखें तो हमारे पास ऑलरेडी इक्विसिटम आरवेंसिस जो है पाकिस्तान से रिपोर्टेड है, और ये हमारे पास जो है तो इस वक्त आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट हर्बेरियम अ प्रोजेक्ट ऑफ PARC जो है उनके पास जो है तो उन्होंने ऑलरेडी इसको उनके पास ये मौजूद है। अगर हम फाइलोजनी देखें कि जो हमारे पास इक्विसिटम है तो इसकी फाइलोजनी जो है वो क्रिस्टन हैज एट आल 2019 में उन्होंने इसकी जो फाइलोजनी है उसको कंस्ट्रक्ट किया है, और उसके अंदर उन्होंने 3 सब जेनरा जो हैं वो बनाए हैं, जिनके अंदर पहला जो है वो सब जो 3 सब जेनरा में जो पहला सब जीनस है वो पैरामोचिट्स हैं, दूसरा सब जीनस इक्विसिटम का सब जीनस इक्विसिटम है, और तीसरा जो है वो हाइपोचिट्स हैं। इनमें जो ये पैरामोचिट्स जो है जिसके अंदर एक ही स्पीशी है, ये सबसे पहले एक आउट ग्रुप के टोल पर या उसके जो है, तो बाकी दोनों जो हैं वो एक आपके एक दूसरे के साथ जिसको हम कह सकते हैं कि सिस्टर क्लेट के तौर पर मिल रहे हैं, और ये तीसरा जो है ये इसका ज़रा जिसको हम कह सकते हैं कि एंसेस्ट्रल या एक आउट ग्रुप के तौर पर हमारे पास सामने आ रहा है, और उसके अंदर जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनकी आपस में जो है तो वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो है वो शो की गई है यहाँ पर। अगर हम इक्विसिटम की तरफ बाकायदा आएँ और इक्विसिटम को डिस्कस करें तो इक्विसिटम जो है लैटिन वर्ड है, ये 2 वर्ड हैं इक्वस एंड सीटा। इक्वस लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है हॉर्स, और सीटा का मतलब है ब्रिसल्स। सो इसी वजह से इसको हॉर्स टेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो ये वर्ल्ड अरेंजमेंट है ये सबसे ज़्यादा ये इसकी वजह से जो कि नोट के ऊपर जो इस पे वर्ल अरेंजमेंट होती है ब्रांचेस और लीव्स की, तो वो इसको बिल्कुल हॉर्स टेल से मुशाबियत इसकी मिलती है। थोड़ा हम हैबिट एंड हैबिटेट की बात कर लेते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ इक्विसिटम हैज़ एन एरियल पार्ट एंड अंडरग्राउंड राइजोम पार्ट, जैसे कि आपको ये सामने नज़र आ रहा है। इसके अंदर ये नीचे जो पोर्शन है ये आपके सामने ये अंडरग्राउंड पार्ट है जिसको हम राइजोम कह रहे हैं, और ये इसका अंडरग्राउंड स्टेम है या अंडर जिसको राइजोम हम कह रहे हैं, और उसके अलावा एक इसका अबव ग्राउंड जो एरियल पार्ट है, जो अगर अबव ग्राउंड है जो कि आपके पास बिल्कुल एरियल और अपराइट जो है तो ग्रो करता है, 2 पार्ट में स्टेम डिवाइडेड है इसके। द राइजोम इज़ पेरिनियल, राइजोम जो है ये पेरिनियल है, इसके साथ हॉरिजॉन्टल ब्रांचिंग एंड क्रीपिंग इन नेचर, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इसके नेचर जो है दैट इज़ द क्रीपिंग, और साथ साथ ये ब्रांचिंग भी है, इसमें ब्रांचिंग भी होती है। एंड द अर्लियर पार्ट दैट इज़ हर्बेशियस इन यूजुअली एनुअल, ये जो अपर पार्ट है ये इसका हर्बेशियस होता है और एनुअल होता है। मेजॉरिटी ऑफ द स्पीशीज आर स्मॉल विद साइज रेंज बिटवीन 15 to 60 centimeters इन हाइट एंड 2 centimeters इन डायमीटर। However, some species grow in height, higher height, for example, Equisetum gigantum, that is 13 meter, Equisetum telmateria, that is 2 meter, and Equisetum ramosimum, that is the 4 meter, though their stem are relatively thin, 0.5 to 2 centimeter in diameter, show vine-like habit and climb or adjacent forest tree. अब जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसके हैबिट हैबिटेट की, तो उसमें मैंने आपको बताया कि इनकी जो साइज़ होता है वो स्मॉल है इन जनरल, जो ज़्यादातर स्पीशीज़ हैं उनमें हमारे पास जो हाइट है वो 15 to 60 centimeters रेंज में होती है, और उसका उसी लिहाज से उनका जो डायमीटर है स्टेम वो भी कम है, तकरीबन 2 centimeters। लेकिन इनमें कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं कि जिनमें काफ़ी जो है लाइक 13 meters भी है, 2 meters भी है, 4 meters भी है, उनका यानी हाइट जो है वो ज़्यादा है, लेकिन स्टेम अगेन 0.5 टू 2 है, थिन है, मतलब यानी इतने ज़्यादा हाइट को सपोर्ट करने के लिए उस तरह की स्टेम में वो जो जिसको डाया है वो उस तरह का बड़ा नहीं है, जो उसको सपोर्ट उस तरह का नहीं है। तो जब भी हमारे पास इस तरह की लेंथ किसी प्लांट की ज़्यादा हो और उसकी स्टेम जो है वो रिलेटिवली थिनर हो, तो ये उसके वाइन लाइक हैबिट को जो है तो वो बताता है, और क्योंकि उसको फिर सपोर्ट चाहिए होती है क्लाइंबिंग के लिए, तो वो फिर अक्सर जो है तो वाइन लाइक हैबिट को अख्तियार करते हैं, और वो दूर जो एडजेसेंट फॉरेस्ट ट्रीज होते हैं उनके उनके ऊपर जो है वो क्लाइंब करते हैं।
So the plant body of Equisetum consists of an underground prostate rhizome from which spring up a number of aerial shoots. जैसे कि मैंने आपको इस स्लाइड में बताया कि ये नीचे जो है आपको नज़र आ रहा है कि इसमें एक प्रोस्टेट राइजोम है और इस जो अंडरग्राउंड प्रोस्टेट राइजोम जो है इससे मुख्तलिफ़ किस्म की जो है तो एरियल शूट जो है मुख्तलिफ नंबर की यहाँ पर जो है तो दो आपको शूट जो हैं वो दिखाई जा रही हैं कि इनसे जो है ये इमर्ज हो रही हैं। द एरियल शूट मे बी पेरिनियल आर डिसीडुअस। पेरिनियल का मतलब ये है कि उसके अंदर जो है तो वो तमाम के तमाम जो हैं वो उसके साथ जो लीव्स या वो हैं वो मौजूद रहते हैं या डिसीडुअस मीन उसमें जो है आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड वो गिर जाते हैं। देयर इज़ अ ग्रेट वेराइटी इन द हाइट ऑफ द एरियल शूट, ऑलरेडी बता चुका हूँ। द रेंज फ्राम फ्यू सेंटीमीटर टू सेवरल मीटर, यानी इसमें स्क्रिपॉइडिस जो है इक्विसिटम वो फ्यू सेंटीमीटर है और जाइगेंटम जो है वो मीटर्स में जा रहा है। इन सम इंस्टेंस एरियल शूट एज लॉन्ग एज 13 मीटर हैव बीन फाउंड। ये आपको यहाँ पे 13 मीटर की एग्जांपल इक्विसिटम जाइगेंटम में दी गई है। इन स्पाइट ऑफ द लेंथ द डायमीटर इज़ वेरी लेस। इसको हम लास्ट स्लाइड में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ये आपके सामने इक्विसिटम है जो आगे आ रहे हैं जिसकी ये जो नोड एंड इंटर नोडल रीजन और उसके अलावा जो इसमें कोन फार्मेशन होती है और उसके अंदर जो रिब्ड वेन है सारी की सारी रिबिंग आपको नज़र आ रही है और जो इसके अंदर स्केल लीव्स है नोड के ऊपर वो भी आपको इसमें नज़र आ रहे हैं। सो प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, यानी प्लांट बॉडी जिसको हम कहते हैं इक्विसिटम में वो एक्चुअली एक स्पोरोफाइट है। एंड द स्पोरोफाइट इज़ अ वेल ब्रांच पेरिनियल हर्ब, वेल ब्रांच पेरिनियल हर्ब हैं। साइज ऑफ द प्लांट बॉडी रेंज फ्राम, ये तो बार बार यही बात आ रही है, प्लांट बॉडी कंजिस्ट ऑफ द लॉन्ग हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड राइजोम फ्राम विच अराइज मैनी रूट टूवर्ड द लोअर साइड एंड एरियल शूट। अच्छा, ये बात जो है यहाँ पर मैं वापस उसी इस पर जाऊँगा कि अब ये जो एरियल शू है जो इसका राइजोम है जो इसका जिसको पेरिनियल शूट भी कह रहे हैं अंडरग्राउंड राइजोम जो है इसके ऊपर वाली साइड पर एरियल साइड पर हम देख रहे हैं एरियल ब्रांचेस निकल रही हैं और लोअर साइड पर इससे मुख्तलिफ जो क्योंकि ये भी नोड और इंटर नोड में डिवाइडेड होता है तो हर नोड से इससे जो है तो बंच ऑफ जो है रूट्स जो है वो लोअर सरफेस पे निकल रही होती हैं। सो अपर साइड पे हम कह रहे हैं कि इरेक्ट एरियल शूट्स निकल रही हैं जो ऊपर आपको नज़र आ रही हैं और जो लोअर सरफेस पर जो है तो रूट्स अराइज होती हैं। राइजोम ऑलरेडी पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ कि लॉन्ग क्रीपिंग वेल ब्रांच एंड डिविजिबल इन द नोड एंड इंटर नोड और वो मैं आपको पिछली जो स्लाइड है उसमें वो ऑलरेडी आपको विजुअलाइज करा चुका हूँ कि इसमें जो नोड और इंटर नोड ये देखें ये राइजोम है इसमें ये आपको नोड और इंटर नोड की डिफ्रेंसीशन यहाँ पर अंदाज़ा हो रहा होगा और जो नोड है वहाँ से आपको रूट्स वगैरह के निकलना भी नज़र आ रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ नोडल रीजन से जो है तो कुछ कुछ डिस्टेंस से निकल रहे हैं और ये नोडल रीजन्स हैं। इसके साथ साथ रूट विच डिवेलप फ्राम द नोड ऑफ राइजोम आर लॉन्ग सिलेंडर वेल ब्रांच एंड एडवेंटिशियस। रूट्स इसमें कौन सी होंगी जो राइजोम से निकलती हैं, लॉन्ग होती हैं, सिलेंडर मीन बारीक होती हैं, वेल ब्रांच्ड होती हैं एंड एडवेंटिशियस इन नेचर होती हैं। एरियल शूट वे राइज फ्राम द राइजोम टूवर्ड अपर साइड आर टू टाइप, स्टीराइल एंड वेजिटेटिव एंड फर्टाइल आर रिप्रोडक्टिव शूट। ये भी अगर मैं उसी इमेज में आपको दिखाऊं तो आपको उससे जो है तो दोनों ये शूट जो है इनका अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें दो किस्म की शूट्स हैं एरियल शूट जिसमें यहाँ पे एक जो है तो आपके सामने ये है जिसके अंदर फोलिएज है जिसके अंदर एरियल स्टीराइल शूट है और एक जो है ये है जिसको हम एरियल फर्टाइल शूट कहते हैं। यानी एरियल शूट भी दो किस्म की हैं, फिर एक स्टीराइल है और एक फर्टाइल है। फर्टाइल हम उसे कहेंगे जिसमें रिप्रोडक्टिव आर्गन या कोन वगैरह जो है आपके सामने मौजूद होगा। बोथ द स्टीराइल एंड फर्टाइल शूट्स आर रिब्ड एंड डिविजिबल इंटू नोड एंड इंटर नोड। ये जो हैं ये जो भी शूट्स हैं ये रिब्ड हैं, ये रिबिंग आपको यहाँ पर बड़ी अच्छी तरीके से नज़र आ रही है और इसके अंदर नोड एंड इंटर नोड ये दो नोड्स हैं और इनके दरमियान ये आपके पास इंटर नोडल रीजन है, ये इनकी स्टेम की मॉर्फोलॉजी है। बट द फॉर्मल इज़ वेल ब्रांच एंड लॉन्ग लिव, लेदर इज़ द फर्टाइल शूट इज़ जनरली अनब्रांच एंड शॉर्ट लिव स्ट्रक्चर। अब ये जो आपके पास जो स्टीराइल मैंने आपको अभी एरियल ब्रांच बताई है वो मोस्टली वेल ब्रांच्ड होती है, वो आपको ऑलरेडी उस जहाँ पे मैंने आपको दिखाई थी तो वहाँ से नज़र आ रही होगी आपको कि ये जो स्टीराइल शूट है ये वेल ब्रांच्ड है और जो आपके उसके मुकाबले में आपके पास जो फर्टाइल है जो शूट है दैट इज़ जनरली अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, उसमें सिंगल ब्रांच होती है
जो आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ से भी ये आपके पास एक स्टेराइल शूट है और ये उसके मुकाबले में आपके पास एक फर्टाइल शूट है, या आप यहाँ से देख लें कि ये आपके पास एक फर्टाइल शूट है जो कि अनब्रांच्ड है और ये आपके पास स्टेराइल शूट है जो कि वेल ब्रांच्ड है, अच्छी खासी ब्रांचिंग उसमें हुई हुई है। इसके साथ साथ एरियल शूट आर एज वेल एज राइजोम आर आर्टिकुलेटेड जॉइंटेड, ये जॉइंटेड ऑलरेडी हम इस पर बात कर चुके हैं। फ्रॉम द नोड ऑफ एरियल शूट अराइज टू टाइप ऑफ ब्रांचेज इन वर्ल्ड, सम आर लॉन्ग अनलिमिटेड इन ग्रोथ वेल ब्रांच्ड एंड कंटेन सेम स्ट्रक्चर एज द मेन एक्सिस ऑफ द एरियल, अदर आर द शॉर्ट बेयर नोड एंड इंटर नोड बट लिमिटेड इन ग्रोथ एंड अनब्रांच्ड। अब जो आपके पास ज़्यादातर जो इसमें से ये जो एरियल ब्रांचेज हैं इनमें जो आपसे ब्रांचेज आती हैं, दो किस्म की ब्रांचेज आती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं, उनको हम जो अनलिमिटेड ग्रोथ जिसको हम कहते हैं बिल्कुल उस तरह जिस तरह आपके पास जो है ये मेन ब्रांच की तरह है, और कुछ उसमें ऐसी ब्रांचेज होती हैं कि जो अगेन वो भी नोड एंड इंटर नोड होती हैं लेकिन उनमें लिमिटेड इन ग्रोथ और अनब्रांच्ड होती हैं। फर्टाइल शूट अनब्रांच्ड हैं, ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कलरलेस आर पेल येलो एंड ईच विच बेयर स्ट्रॉबिलस इन द टॉप, ये ऑलरेडी मैं आपको पिछली स्लाइड में विजुअलाइज करा चुका हूँ कि ये जो है इनके जो है टिप के ऊपर एक स्ट्रॉबिलस होता है, अनब्रांच्ड होती है, या ये यहाँ पर ही देख लें ये अनब्रांच शूट होगी और इसके टॉप के ऊपर एक स्ट्रॉबिलस होगा, ये आप इसके मज़ीद इसमें देख सकते हैं। आपको ये वर्ल अरेंजमेंट जो है नोट के ऊपर नज़र आ रही है ब्रांचिंग की, इसके ऊपर नज़र आ रहा है, और ये देखें आप इसके हाइट का अंदाज़ा लगा सकते हैं इक्विसिटम का, ये आप इसकी जो है तो आपको नोड नज़र आ रहे हैं। ऑन द नोड ऑफ राइजोम स्टेराइल शूट एंड फर्टाइल शूट आर प्रेजेंट मैनी स्केली लीव्स, ये जो स्केली लीव्स हैं इनकी बात हो रही है, या जिनको मैं यहाँ पर जो है तो ज़्यादा बेहतर ये स्केली लीव्स हैं जो या यहाँ पर देख लें, ये जो नोड के ऊपर आपको जो है स्केली लीव्स नज़र आ रहे होते हैं, सो नोड के ऊपर जो है आपको स्केली लीव मिलेंगे, एट द सेम टाइम जो है तो स्केली लीव्स आर माइन्यूट थिन अनविंड प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ वर्ल एंड वेरी इन नंबर फ्रॉम 3 to 14 डिफरेंट स्पीशीज। सो ये जो लीव्स हैं इनके बारे में कहा जा रहा है कि स्केली हैं, माइन्यूट होती हैं, थिन होती हैं, अननर्व्ड होती हैं या यूनि नर्व्ड जिसको हम कह सकते हैं कि फॉर्म अ वर्ल्ड अ वेरी इन नंबर फ्रॉम 3 to 14 डिफरेंट स्पीशीज, ये जो स्केली लीव्स हैं। दीज लीव्स आर ग्रीन व्हेन यंग बट बिकम येलो और रेड कलर एट मैच्योरिटी, ये जो आप इसके इसमें नज़र आ रही होंगी आपको कि ये जो लीव्स हैं इनका ये जब यंग होती हैं ये ग्रीन होती हैं, ले यहाँ पर जो है थोड़ी ग्रीन कलर नज़र आ रहा है आपको, लेकिन उसमें देखें आप ऊपर मेच्योरिटी जहाँ जहाँ पे आ रही है तो या यहाँ पर देखें ये मेच्योर हो चुके हैं, उनके रंग कलर जो है वो साथ साथ जो है येलो या रेड कलर में मेच्योरिटी भी होते हैं। द अपर एंड ऑफ ईच लीफ इज़ फ्री एंड पॉइंटेड बट ऑल ऑफ देम यूनाइट बिलो एट द बेस फ्राम फॉर्म अ शीथ ऑन द नोड, ये जो हैं ये सारे के सारे ये बिल्कुल नोड के किनारे पे एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, ये यूनाइटेड होते हैं नीचे से और इसमें जो है अल्टीमेटली नोड के गिर्द आपको ये लीव्स जो हैं ये एक शीट बनाते हुए नज़र आ रहे होते हैं। द नंबर ऑफ लीव्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रिजेस ऑन द इंटर नोड, ये जो जितने भी जो नंबर ऑफ लीव्स हैं ये नंबर ऑफ जितने रिजेस होंगे उनको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। मैनी राउंड एंड इररेगुलेटेड बॉडी प्रेजेंट इन द राइजोम, दीज आर थिक वॉल्ड मीन फॉर द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड दीज आर कॉल्ड ट्यूबर्स, इसमें ट्यूबर्स होते हैं। फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट जो है लाइक रूट जो है ये काम करता है एब्जॉर्प्शन एंड फिक्सेशन का, राइजोम स्टोरेज का काम करता है, स्टेराइल शूट जो होती है ये फोटोसिंथेटिक होती है और फर्टाइल शूट जो होती है ये रिप्रोडक्टिव इन नेचर होती है। दस इक्विसिटम शो एन एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर, तो ये सारी की सारी अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर इस स्पोरोफाइट के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन हैं उनके एक फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर हो चुकी है। थोड़ी सी हम इंटरनोड एरियल शूट जो है उसकी एनाटॉमी को देख लें, इट इज़ अ वेवी इन आउटलाइन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द रिज एंड ग्रूव, ये देखें ये जो आपको इसका आउटलाइन नज़र आ रहा है ये वेवी है और ये वेवी होने की रीज़न जो है क्योंकि इसमें रिजेज एंड ग्रूव्स हैं जो कि आपको मैं ऊपर एक इमेज में बता चुका हूँ, ख़ास तौर पर यहाँ पर ये जो रिजेज एंड ग्रूव्स आपको इस स्टेम के ऊपर नज़र आ रहे हैं, तो इस वजह से आप जब इसकी एनाटॉमी देखते हैं तो आपको ये जो रिजेज एंड ग्रूव्स जो हैं ये यहाँ पर नज़र आ रहे होते हैं, ये जो कोना सा बाहर निकला हुआ है दिस इज़ द रिज और ये जो डिप्रेशन सी है दिस इज़ कॉल्ड एज द ग्रूव।
आउटर मोस्ट लेयर इज द एपिडर्मस, जो सबसे बाहर वाली लेयर है ये एपिडर्मस है, सेल विच ऑफ विच हैव अ डिपॉजिट ऑफ सिलिका इन देयर आउटर एंड लेटरल वॉल। ये जो एपिडर्मल सेल होते हैं इनमें सिलिका के डिपॉजिट होते हैं आउटर और लेटरल वॉल में। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिलिका द स्टेम अपेयर हार्ड एंड रफ टू टच, जिसको हम एब्रेसिव इन नेचर कह रहे होते हैं। द कंटिन्यूटी ऑफ द एपिडर्मस इज ब्रोकन बाय द संकन स्टोमेटा प्रेजेंट इन ईच ग्रूव। ये जो आपके पास जो है हर एक ग्रूव में जो है तो संकन स्टोमेटा होते हैं, चूँकि इसके अंदर जो ग्रूव में उस और इन ईच संकन स्टोमेटा द गार्ड सेल्स आर कवर्ड कम्प्लीटली बाय द सब्सिडरी सेल्स, दस गिविंग द अपेयरेंस ऑफ टू सेट ऑफ द गार्ड सेल्स। इसी तरह हम अगर एपिडर्मस से नीचे जाएँ तो उसके नीचे आपको वेल डिवेलप कॉर्टेक्स मिलता है, ये जो वाइट कलर में यहाँ पे शो हो रहा है। वेल डेवलप्ड कॉर्टेक्स एंड जस्ट बिलो अ रिज देयर इज प्रेजेंट अ लार्ज पेच ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। आपके पास जो है तो ख़ास तौर पर ये जो रीजन है ये स्क्लेरेन्काइमा आपको यहाँ पर या क्लोरेन्काइमा ये जो है तो ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होते हैं। सपोर्टिव टिश्यूज़ हैं, मैकेनिकल इन फंक्शन है, और इसमें जो है तो आपके पास जो है इस एट द सेम टाइम क्लोरेन्काइमा के सेल्स जो हैं तो वो भी नज़र आ रहे होते हैं। अगर हम जिस तरह हमने पहले देखा कि दैट वाज द इंटर नोड ऑफ द एरियल शूट, जो नोड के दरमियान वाली एरियल शूट में जो था ये उसका हमने वो लिया था। अब हम जो हैं तो नोड ऑफ द एरियल शूट जो है उसके क्रॉस सेक्शन जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये तकरीबन बाकी उससे मिलता जुलता है, थोड़ी सी डिफरेंसेस जहाँ पर होंगी वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। एब्सेंस ऑफ द थ्री टाइप ऑफ कैनाल दैट इज़ द वेलिकुलर कैनाल, कैरिनल कैनाल एंड सेंट्रल कैनाल, ये वहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा इंस्टेड ऑफ द सेंट्रल पिथ कैविटी अ नोड डायफ्राम इज़ प्रेजेंट, ख़ास तौर पे ये जो दरमियान में आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे हमें जो है तो इससे पहले वाली केस में जो है हमें दरमियान में पिथ कैविटी दरमियान में नज़र आ रही थी जो इंटर नोड में, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास जो नोड रीजन है वहाँ पर नोड डायफ्राम है, जो आपके पास पिथ कैविटी है वो नहीं है। वैस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ रिंग आफ्टर गेटिंग फ्यूज विद ईच अदर, जो आपके पास जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो जो हैं यहाँ पर ख़ास तौर पर रिंग की फॉर्म में हैं, ये जो आपको दरमियान में जी नज़र आ रहे हैं ये जो है जाइलम है इनर रिंग, और उसके बाहर जो है आउटर रिंग, ख़ास तौर पर जो नोड पहले नोडल डायफ्राम है उसके बाद जाइलम रिंग है उसके बाद आपके पास जो है फ्लोएम का रिंग है। तो ये वेस्कुलर बंडल आपको रिंग की फॉर्म में मौजूद होते हैं। लीव ट्रेसेस एंड ब्रांच ट्रेसेस अराइज बिलो द रिजेस एंड ग्रूव्स रिस्पेक्टिवली, जो आपके पास जो है उसके नीचे जो है ये इसमें रिस्पेक्टिवली आपको ये ट्रेसेस वगैरह, लाइक ये आपके पास एक लीव ट्रेस है जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। इसके साथ साथ हम फिर एरियल शूट के बाद हम ज़रा जो आपके पास अंडरग्राउंड स्टेम जिसको हम राइजोम कह रहे हैं उसका जो है तो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं। इट रिजेंबल इन स्ट्रक्चर विद द एरियल स्टीराइल शूट एक्सेप्ट फॉलोइंग डिसिमिलरिटी इंक्लूड रिजन ग्रूव्स आर नॉट सो मच वेल मार्क्ड, क्योंकि वजह यह है कि एरियल शूट में वो काफ़ी रिजेज एंड ग्रूव जो होते हैं वो वेल मार्क्ड होते हैं, वो यहाँ पर नहीं है। और दूसरी बात ये कि हाँ बाकी उसी तरह ही है लेकिन सिर्फ यहाँ पर स्टोमेटा नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं कोन की तरफ, जो स्ट्रॉबिलस है जिसको हम स्ट्रॉबिला या स्ट्रॉबिलस कहते हैं। ये प्लूरल जब होगा तो स्ट्रॉबिला होगा, सिंगुलर होगा तो स्ट्रॉबिलस होगा, और हम आम तौर पर इसको कोन कह रहे होते हैं। तो जो कोन है दैट इज़ द फर्टाइल एरियल अनब्रांच शूट बेयर एट देयर एपिसेस, ये जो आपके पास फर्टाइल जो एरियल शूट है जो कि अनब्रांच होती है इसके टिप के ऊपर आपको ये कोन जो है ये नज़र आ रहे हैं, जिनको हम अगर एक होगा तो स्ट्रॉबिलस कहेंगे, ज़्यादा होंगे तो स्ट्रॉबिलाए हम इनको कहेंगे। ये सो इन सम रेयर केसेस ब्रांच्ड फर्टाइल एक्सिस इज आल्सो प्रेजेंट, जो कि हमें यहाँ पर एग्जांपल जो है वो दी है कि ये फर्टाइल एक्सिस जो है रेयर कंडीशन में ये ब्रांच हो सकती है जो कि यहाँ पर आपको शो की हो रही है। ईच कोन आर स्ट्रॉबिलस है थिक सेंट्रल एक्सिस, ये जो आपको उसकी जो है तो वो स्ट्रक्चर वेंट्रल व्यू दिखाया जा रहा है जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि ईच कोन आर स्ट्रॉबिलस हैव अ थिक सेंट्रल एक्सिस नोन एज द स्ट्रॉबिलर एक्सिस, और आर्कोन एक्सिस भी इसको कह रहे होते हैं हम। ऑन द स्ट्रॉबिलर एक्सिस अटैच मैनी अम्ब्रेला लाइक स्पोरेंजियो फोर इन वर्ल, ये जो अम्ब्रेला लाइक स्पोरेंजियो फोर हैं ये इसके किनारे जो हैं तो ये वर्ल में अरेंज होते हैं।
उस ये दरमियान में या इसका एक और व्यू हम देख लेते हैं टी एस, ये दरमियान में वो कौन एक्सेस है या स्ट्रोबिलस एक्सेस है उसके गिर्द जो हैं आपको सारे के सारे जो हैं नज़र आ रहे हैं अम्ब्रेला शेप में लाइक स्पोरेंजियोफोर इन वर्ल्ड। ईच स्पोरेंजियोफोर इज़ अ स्टाग स्ट्रक्चर विद फ्री एंड ऑफ विच बिकम फ्लैटन फॉर्म अ प्लेट डिस्क। ये जो है तो ये सारे के सारे जो है तो उसी की बात हो रही है कि ये जो हैं ये फ्लैटेंड होते हैं प्लेट डिस्क लाइक, जो यहाँ पर आपको ये साइड साइड पे स्ट्रक्चर, ये एक ये हो गया, उसके बाद ये दूसरा है, ये इसके बाद ये तीसरा है। द डिस्क इज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंट एट द राइट एंगल ऑफ द स्टॉक ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द डिस्क देयर प्रेजेंट मेनी स्पोरेंजिया हॉरिजेंटली टुवर्ड द एक्सिस ऑफ द स्ट्रोबिलाई। ये यहाँ पर ज़्यादा बेहतर तरीके से आप देख सकते हैं कि इस डिस्क के नीचे आपको जो है तो स्पोरेंजिया नज़र आ रहे होते हैं। ईच स्पोरेंजियम इज इलोंगेटेड एंड पेंडेंट स्ट्रक्चर कंटेन राउंडेड एपेक्स। ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर ये एक सिंगल, अब इसमें एक स्पोरेंजियम है यहाँ पर जिस तरह हम देख रहे हैं कि ये जो एक स्पोरेंजिया है इसको अब हाईलाइट किया, या ये जो इनमें से एक जो है उसको अब हाईलाइट करके वो सिंगल स्पोरेंजियम यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि जो राउंड एपेक्स, जिसकी एक राउंड एपेक्स होती है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है और पेंडेंट है। पेंडेंट मीन झुका हुआ, उल्टे सा झुका जो हुआ होता है उसको हम कहते हैं, दैट इज़ द लटका होना या झुका होना या पेंडेंट स्ट्रक्चर इसको हम कह रहे होते हैं। सो द स्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाय द जैकेट लेयर। ये जो बाहर वाली लेयर है, स्टीराइल लेयर, जो जिसका काम प्रोटेक्शन है, दैट इज़ द जैकेट लेयर। उसके साथ टैपिटल लेयर विच इनक्लोज मैनी स्पोर, जिसके अंदर ये दरमियान में आपको ये डॉटेड नज़र आ रहे हैं, दीज आर द स्पोर। इक्विसिटम होमोस्पोरस है, मतलब एक ही तरह के स्पोर बन रहे हैं। अ रिंग लाइक आउटग्रोथ इज प्रेजेंट बिलो ईच स्ट्रोबिलस, आप दिस इज़ कॉल्ड एन्यूलस। ये देखें, ये जो सबसे लाइक ये पूरा स्ट्रोबिलस है उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि सबसे नीचे बॉटम में अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर आउटग्रोथ है जो प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, दैट इज़ द एन्यूलस। मॉर्फोलॉजिकल एंड नेचर जो है इसके बारे में कहा जा रहा है कि दैट इज़ कंट्रोवर्शियल, अकॉर्डिंग टू सम इट इज़ अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टीराइल लीव्स, वाइल अदर ओपिनियन दिस इज़ द लोअर मोस्ट स्टीराइल स्पोरेंजियोफोर। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो एन्यूलस हैं ये अपर मोस्ट स्टीराइल लीव्स हैं, और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये लोअर मोस्ट स्टीराइल जो हैं वो हैं स्पोरेंजियोफोर्स हैं, स्पोर बेयरिंग लीव्स। तो इसके बाद हम थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ शूट ऑफ इक्विसिटम इज पिक्यूलर बिकॉज इट शोज यूरोफिटिक एज वेल एज हाइड्रोफिटिक फीचर, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में कहा जाता है कि जो शूट है इक्विसिटम का उसमें एक वक्त में कुछ यूरोफिटिक करेक्टर्स भी हैं और एट द सेम टाइम कुछ इसमें हाइड्रोफिटिक करेक्टर्स भी हैं। तो यहाँ पर हम वन बाय वन जो है, सबसे पहले हम उन ज़ीरोफिटिक और उसके बाद हम जो हैं तो उसकी तरफ आते हैं एट द सेम टाइम जो इसमें हाइड्रोफिटिक करेक्टर्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर इसकी एनाटॉमी से हमें कौन से ज़ीरोफिटिक करेक्टर का पता चलता है, पहली बात यह है कि इसमें रिजेज एंड फरोज जो स्टेम में है ये ज़ीरोफिटिक करेक्टर है। डिपोजिशन ऑफ सिलिका इन द एपिडर्मल सेल ये भी एक ज़ीरोफिटिक करेक्टर है। संकन स्ट्रोमेटा होना ये भी ज़ीरोफिटिक है। स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मस जो है ये भी, रिड्यूस एंड स्केली लीव्स होना एंड फोटोसिंथेटिक टिश्यू इन द स्टेम, ये तमाम ऐसे फीचर हैं जो कि ज़ीरोफिटिक फीचर हैं। अगर हम इसमें देखें तो हमें कुछ जो हाइड्रोफिटिक करेक्टर्स भी हैं जिसके अंदर वेल डिवेलप ये वेल डिवेलप एरेटिंग सिस्टम लाइक कैरनल कैनाल, वेलिकुलर कैनाल और सेंट्रल पिथ कैविटी, ये आपके पास जो है एरियल इंटरनोडल रीजन के अंदर ये मौजूद होती हैं, और ये तमाम के तमाम उसके अगर इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखें उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो ये एक हाइड्रोफिटिक करेक्टर है। और उसके अलावा रिड्यूस वेस्कुलर एलिमेंट होना भी एक आपके पास हाइड्रोफिटिक करेक्टरिस्टिक है इक्विसिटम के अंदर। अगर एक ये इसके साथ में यहाँ पे जस्ट इसके जनरल नॉलेज के तौर पे ये शेयर कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि इक्विसिटम जो है ये एक गोल्ड इंडिकेटर है, तो ये एक आर्टिकल है जो कि इस पे पब्लिश हुआ है, हॉर्सटेल और इक्विसिटम एज इनडायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ गोल्ड मिनरलाइजेशन, ये जर्नल ऑफ जियोकेमिकल एक्सप्लोरेशन में ये पब्लिश हुआ 1981 में, और उन्होंने जो है इसको जो है तो उसमें फोकस किया
कि आपके पास जो है ओवर 40 ईयर्स अगो इक्विसिटम एक्वायर द रिपूटेशन ऑफ बींग एक्यूमुलेटर ऑफ इंडिकेटर ऑफ गोल्ड एज रिजल्ट ऑफ फॉल्टी एनालिटिक वर्क बाय द नेमिक एट आल 1936 हु रिपोर्टेड 610 माइक्रोग्राम पर ग्राम गोल्ड इन द एश ऑफ इक्विसिटम प्लास्टर ग्रोइंग इन द ऑरिफेरस एरिया जो गोल्ड माइंस वगैरह हैं यहाँ पर और इन विच द गोल्ड कंटेंट ऑफ सब्सटेंस ओनली अराउंड 0.1 to 0.2 माइक्रोग्राम पर ग्राम। तो ये एक जो है तो अब थोड़ा सा इस आर्टिकल के अंदर हमें ये बताया जा रहा है कि 40 साल तकरीबन जो है तो ये कहा गया हमें कि इक्विसिटम के बारे में कि ये एक्यूमुलेटर या इंडिकेटर ऑफ गोल्ड है और उसमें भी जो कह रहे हैं कि ये 1936 में 1936 में नेमिक एट आल की कुछ फॉल्टी एनालिटिकल वर्क था जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ और उन्होंने रिपोर्ट किया कि 610 माइक्रोग्राम पर ग्राम गोल्ड जो है वो एश ऑफ इक्विसिटम पैलेस्टर जो है तो उसकी स्पीशी से मिला है जो कि एक ऑरिफेरस एरिया से उनको और वो भी सर्वे किया के एरिया से जो है उनको मिला था। तो उसमें जो ये आर्टिकल में लिखा तो उन्होंने इसमें ये बताया कि रिसेंटली बॉयल 1979 हैव रिपोर्टेड दैट अप टू 9.2 माइक्रोग्राम पर ग्राम गोल्ड इन द एश ऑफ हॉर्सटेल ग्रोइंग ओवर द ये डिपॉजिट है क्यूबिक कनाडा में कंपेयर विद द 0.095 माइक्रोग्राम इन द बैकग्राउंड एरिया यानी ऐसे एरिया जो उससे दूर दराज के एरिए थे जो एरिफेरस एरिया से साइट पर थे। These values are extraordinarily high but considerably lower than the value reported in the NAMIC which जो कि 610 microgram per gram है और यहाँ पर value है 9.2 microgram per gram। Whether or not Hartzell do accumulate golds to an extent is debatable but it is clear that they are frequently found or auriferous mine telling whether they are often the only species present. We have recently investigated the gold content of Hartzell growing over telling on the abundant gold mine in the Nova Scotia and in the course of neutron activation analysis and noticed the invariable occurrence of these elevated arsenic concentration as well as significant level of antimony in the Hartzell found in such area. तो ये एक बड़ा डिबेटेबल सब्जेक्ट है कि हॉर्सटेल जो है ये गोल्ड एक्युमुलेटर है या नहीं है, लेकिन ये बात है कि ये जो है तो थोड़ी बहुत वेदर आर नॉट हॉर्सटेल डू एक्युमुलेट गोल्ड टू कुछ इंस्टेंट तक जो है तो ये ज़रूर करता है, लेकिन इसमें जो ऐसा है कि इसके अंदर सिर्फ गोल्ड हम की बात नहीं कर सकते, इसमें जो है तो आपको फिर बाकी एलिमेंट जो हैं तो वो भी एक्युमुलेट कर रहा होता है। तो इसमें फर्दर स्टडीज़ जो हैं तो वो होनी चाहिए और इसको जो है तो इस मामले को मज़ीद जो है इस पर रिसर्च होनी चाहिए और इसको जो है तो पता लगना चाहिए कि आया ये बात जो है इसमें किस हद तक इस थ्योरी में हमारे पास जो है तो ट्रुथ मौजूद है। तो आज हमने फिर इक्विसिटम को डिस्कस किया है और डिटेल से डिस्कस किया है और इसमें हमने तमाम वो एस्पेक्ट्स को जो है तो वो सामने रखा है जो इक्विसिटम की मॉर्फोलॉजी, उसकी एनाटॉमी, उसकी सिस्टमैटिक पोजीशन, उन सबको हमने डिस्कस करने की कोशिश की है, जिसमें हमने उसका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है, उसकी मुख्तलिफ किस्म के एनाटॉमिकल जो एलेबोरेशंस थी, उसकी मॉर्फोलॉजिकल एलेबोरेशंस जो हैं वो हमने देखी हैं, उसके अलावा हमने उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखी हैं और उसकी जो मुख्तलिफ जो क्लासिफिकेशन में जितनी भी हैं और जो उसकी डाइवर्सिटी वगैरह हैं उन सबको हमने डिस्कस किया। तो इसके बाद अगर आपके माइंड में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच।